हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, सहायक प्राध्यापक प्राणिशास्त्र, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान स्वशासी महाविद्यालय रायगढ़। आज BSc प्रथम वर्ष प्राणिशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट क्रमांक 5 के चैप्टर 1 में मोलस्का के अंतर्गत पाइला के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाइला का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अन्य जंतुओं की तुलना में विभिन्नता प्रदर्शित करता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को अध्ययन करने से पहले आइए हम सबसे पहले देखें कि पाइला के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पाइला का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम साइनस या लेकुनर या ओपन टाइप का होता है। दूसरा, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाइला के दोहरे जीवन शैली और दोहरे श्वसन की प्रक्रिया के कारण से तदनुसार वो अनुकूलित होता है। तीसरा, पाइला का हार्ट सिंपल होता है, साथ ही ट्यूबुलर तथा दो चैम्बर से बना हुआ होता है, जिनमें से एक चैम्बर के रूप में ऑरिकल और एक चैम्बर के रूप में वेंट्रिकल होता है। पाइला का हार्ट ये मिक्स्ड टाइप का ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। पाइला के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ये हीमोसाइनिन के रूप में होता है तथा यह हीमोसाइनिन ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व अवस्था पर होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग हीमोसाइनिन के कारण से ब्राइट ब्लू या चमकीले नीले रंग का होता है और डीऑक्सीजनेटेड, जिसे हम अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं, यह रंगहीन होता है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं पाइला के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत जो कंपोनेंट हैं, घटक शामिल हैं, वो इस तरह से हैं। पहला, पेरिकार्डियम, दूसरा हार्ट, तीसरा आर्टरीज, चौथा साइनसेस, पांचवा वेन्स, छठवा ब्लड और कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। इनका हम क्रमिक रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम हार्ट को चारों ओर से घेर करके रखता है।
पेरिकार्डियम एक ओवल मेम्ब्रेन के रूप में होती है जो मेंटल कैविटी के पीछे और डॉर्सल साइड पर होती है। पेरिकार्डियम एक थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन के रूप में होती है। पेरिकार्डियम और उसके अंदर स्थित हार्ट के मध्य में जो स्थान रिक्त होता है उस स्थान को पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी का संबंध पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से एक अपर्चर के द्वारा होता है। उस अपर्चर को रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर कहा जाता है। हार्ट पाइला का हार्ट लंबा होता है, ट्यूबुलर होता है और साथ ही साथ दो चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है जिनमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। आइए ऑरिकल के बारे में देखें। पाइला का हार्ट का प्रथम चैम्बर यह ऑरिकल कहलाता है। यह लगभग ट्रायंगुलर होता है, थिन वॉल्ड होता है और हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ऑरिकल ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है और इसलिए इसे रिसीविंग चैम्बर भी कहा जाता है। यह ऑरिकल तीन अलग अलग वेन्स के द्वारा रक्त को इकट्ठा करता है। ये प्रमुख वेन है, पहला पल्मोनरी वेन, इसके माध्यम से पाइला के पल्मोनरी सैक जिसे लंग भी कहते हैं वहां से शुद्ध रक्त ऑरिकल में प्रवेश करता है। दूसरी वेन है इफरेंट टिनिडियल वेन, इसके माध्यम से गिल से शुद्ध रक्त ऑरिकल में प्रवेश करता है। तीसरा इफरेंट रीनल वेन, इस वेन के द्वारा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से रक्त ऑरिकल में प्रवेश करता है। ऑरिकल अपने आगे की ओर स्थित वेंट्रिकल से एक ओपनिंग के द्वारा कम्युनिकेटेड होता है और इस ओपनिंग को जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है उसे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहा जाता है और इस ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग में एक जोड़ी वॉल्व पाए जाते हैं और ये वॉल्व रक्त के प्रवाह की दिशा को ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर सुनिश्चित करते हैं और उसके रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। हार्ट का दूसरा चैम्बर यह वेंट्रिकल कहलाता है। वेंट्रिकल की दीवारें थिक होती हैं, मोटी होती हैं, मस्कुलर स्पॉन्जी होती हैं और इस चैम्बर का जो आकार है वो ओवल होता है, अंडाकार होता है। वेंट्रिकल ये ऑरिकल के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। वेंट्रिकल संकुचनशील होती है और साथ ही साथ इस गुण के कारण से वह ब्लड को शरीर के
विभिन्न भागों को पंप करने का कार्य करती है और इसलिए वेंट्रिकल को पंपिंग चैम्बर भी कहा जाता है। इस वेंट्रिकल के शीर्ष भाग से आगे की ओर से एक मोटी धमनी निकलती है जिसको एओर्टिक ट्रंक कहा जाता है। इस एओर्टिक ट्रंक और वेंट्रिकल के बीच में एक जोड़ी वाल्व पाया जाता है। यह वाल्व वेंट्रिकल से एओर्टिक ट्रंक में ब्लड को जाने देता है लेकिन उसके रिवर्स फ्लो को रोकता है। आइए हम तीसरे क्रम में आर्टरीज के बारे में देखें। एओर्टिक ट्रंक जो वेंट्रिकल के शीर्ष भाग से आगे की ओर निकलती है वह तुरंत दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनमें से पहली शाखा जो सिफेदिक रीजन या शीर्ष की ओर जाती है अगली दिशा पर जाती है, इसे सिफेलिक एओर्टा कहते हैं, और दूसरी शाखा जो शरीर के पीछे के अंगों की दिशा पे जाती है उसे विसरल एओर्टा कहते हैं। सिफेलिक एओर्टा इसके सतह पर बाहर की ओर एक संकुचनशील एम्पुला पाया जाता है जिसे एओर्टिक एम्पुला कहा जाता है। इस सिफेलिक एओर्टा के माध्यम से शरीर के अगले हिस्से में या सिफेलिक रीजन में जो अंग मौजूद होते हैं उन्हें विभिन्न शाखाओं के माध्यम से ब्लड सप्लाई किया जाता है। दूसरा विसरल एओर्टा, एओर्टिक ट्रंक से पीछे की दिशा की ओर ब्लड सप्लाई करने के लिए विसरल एओर्टा पाई जाती है जो शरीर के पीछे के हिस्से पे जो अंग मौजूद होते हैं उन्हें के माध्यम से ब्लड सप्लाई करते हैं। यहां पर पाइला के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का विस्तृत डायग्राम दिया गया है जिसमें हार्ट, पेरिकार्डियम, एओर्टिक ट्रंक, सिफेलिक एओर्टा, विसरल एओर्टा, एओर्टिक एम्पुला तथा सिफेलिक और विसरल एओर्टा की शाखाओं को दर्शाया गया है जो शरीर के अपने निर्धारित क्षेत्रों पे शाखाओं के माध्यम से ब्लड सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ इसमें शरीर के किन किन भागों से ब्लड को किन वेन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है तथा उन्हें ऑरिकल में पहुंचाया जाता है, इन सभी का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया है। आइए हम देखें सिफेलिक एओर्टा, उनकी शाखाएं और उनके टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं जहां ब्लड सप्लाई किया जाता है। एक टेबल के माध्यम से यहां पर सिफेलिक एओर्टा और उनकी शाखाओं को दर्शाया गया है और उन शाखाओं का जो टारगेट ऑर्गन है उन्हें भी दर्शाया गया है। यहां पर हम
क्यूटेनियस आर्टरी। ये क्यूटेनियस आर्टरी स्किन को ब्लड सप्लाई करती है। क्यूटेनियस आर्टरी सिफेलिक एओर्टा के आउटर साइड से निकलने वाली पहली आर्टरी होती है। क्यूटेनियस आर्टरी देने के बाद पेरिकार्डियल आर्टरी, यह भीतर की सतह से निकलती है और निकलने के बाद पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई करते हुए यह एंटीरियर रीनल चैम्बर को भी ब्लड सप्लाई करती है। सिफिलिक एओर्टा से निकलने वाली तीसरी आर्टरी है ओसोफेजियल आर्टरी, यह बाहर की दिशा से निकलती है और ओसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद यह सिफिलिक एओर्टा लेफ्ट पैलियल आर्टरी के रूप में शरीर के अगले भाग पर बाईं ओर चली जाती है, जो क्रमशः पैलियल आर्टरी के रूप में बाएं मेंटल को, ऑस्फ्रेडियल आर्टरी के रूप में ऑस्फ्रेडियम को और लेफ्ट साइफोनल आर्टरी के रूप में लेफ्ट न्यूचर लोब को ब्लड सप्लाई करती। दाहिनी ओर घूमकर जब ये आगे बढ़ती है तो मार्ग में इससे जो आर्टरी निकलकर विभिन्न अंगों को जाती हैं, उनमें पहली आर्टरी है रेड्यूलर सैक आर्टरी, यह रेड्यूलर सैक को ब्लड सप्लाई करती है। पीडल आर्टरी के माध्यम से फुट को ब्लड सप्लाई किया जाता है। टेंटाकुलर आर्टरी के द्वारा इनके टेंटेकल्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है। ऑप्टिक आर्टरी के द्वारा आई और आई स्टार को ब्लड सप्लाई किया जाता है। पेनियल आर्टरी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। राइट साइफोनल आर्टरी राइट न्यूचर लोब को ब्लड सप्लाई करती है। और अंत में राइट पेलियल आर्टरी राइट मेंटल को ब्लड सप्लाई करते हुए वहां पर समाप्त हो जाती है। शरीर के पिछले हिस्से को विसल एओर्टा और उनकी शाखाओं के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। विसल एओर्टा से निकलने वाली जो आर्टरीज हैं और उनके जो टारगेट ऑर्गन हैं, उन्हें हमने इस टेबुलर फॉर्म पे प्रदर्शित किया है। विसल एओर्टा से जो पहली आर्टरी निकलती है यह पेरिकार्डियल आर्टरी कहलाती है, जो पेरिकार्डियम स्किन डाइजेस्टिव ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। गैस्ट्रिक आर्टरी यह स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। इंटेस्टिनल आर्टरी इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। हिपेटिक आर्टरी डाइजेस्टिव ग्लैंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी यह एंटीरियर रीनल चैम्बर को ब्लड सप्लाई करती है। तथा अंत में विसल एओर्टा से पिछले दिशा पर बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं और इन आर्टरीज के द्वारा किडनी और रेक्टम को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो ये जानकारी हुई विसल एओर्टा, उनकी शाखाएं और उनके टारगेट ऑर्गन्स के बारे में। चौथा हम देखें साइनस। पाइला का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो साइनस टाइप कहलाता है। और साइनस का आशय है कि आर्टरीज और वेंस की शाखाएं एक दूसरे से सीधे सीधे संबंधित नहीं होती हैं, बल्कि इन दोनों की शाखाओं के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है,
और उसी खाली जगह को साइनस या लेकुना कहते हैं, और इसी वजह से पाइला का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो साइनस टाइप, लेकुनर टाइप या ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है। पाइला में पांच अलग अलग प्रकार के साइनस होते हैं और इन्हीं साइनसेस में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ये पांच साइनस कौन कौन से हैं और उनका लोकेशन कहां पर होता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला है पल्मोनरी साइनस। यह साइनस पल्मोनरी सैक, जिसे हम लंग या फेफड़ा भी कहते हैं, उसकी दीवार पर स्थित होता है। दूसरा साइनस ब्रेकियो रीनल साइनस कहलाता है। यह एंटीरियर रीनल चैम्बर के दाईं ओर स्थित होता है। तीसरा साइनस पेरी विसरल साइनस कहलाता है, जो आहार नली के अगले भाग की ओर और मेंटल के फर्श पर स्थित होता है। चौथा साइनस एफरेंट रीनल साइनस कहलाता है। यह एंटीरियर रीनल चैम्बर के करीब स्थित होता है। और अंतिम पांचवा पेरी इंटेस्टिनल साइनस, यह इंटेस्टाइन की जो कॉइलिंग है उन कॉइलिंग के साथ में स्थित होता है। तो ये पांच प्रकार के साइनस पाइला के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पाए जाते हैं। आइए अगले क्रम में हम देखें वेन्स के बारे में। वेन्स ये ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करते हैं, और चूंकि यह ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है इसलिए उन्हें ऑक्सीजनेशन के लिए या उनके शुद्धिकरण के लिए पल्मोनरी सैक में या गिल में भेज दिया जाता है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि पाइला में चूंकि एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी होता है, जली श्वसन होता है, ऐसी अवस्था में रक्त को शुद्धिकरण के लिए गिल में भेजा जाता है। लेकिन यदि पाइला पानी के बाहर या जमीन पर रहता है और फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है, ऐसी दिशा में जो अशुद्ध रक्त होता है वह शुद्धिकरण के लिए उसके पल्मोनरी सैक या लंग्स में भेज दिया जाता है, जहां से वह शुद्धिकरण के बाद हार्ट के ऑरिकल में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ब्लड का कुछ हिस्सा जो इनके रीनल सिस्टम से होते हुए एकत्रित किया जाता है, वह ब्लड शुद्धिकरण के लिए न तो गिल में भेजा जाता है और न ही इनके पल्मोनरी सैक में भेजा जाता है, अपितु वह बिना ऑक्सीजनेशन के, हम कहें कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के बाद वह ब्लड ऑरिकल में भेज दिया जाता है। कौन कौन सी प्रमुख वेन्स हैं, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहली वेन यह पल्मोनरी वेन कहलाती है। यह स्थलीय श्वसन के समय पाइला के पल्मोनरी सैक से शुद्ध रक्त को इकट्ठा करके ऑरिकल में
भेजने का काम करती है। दूसरी एफरेंट टिनिडियल वेन, यह इफरेंट टिनिडियल वेन पेरिविसरल साइनस, ब्रेकियोरिनल साइनस, रेक्टम, जेनाइटल डक्ट से रक्त को इकट्ठा करती है। क्योंकि यह रक्त अशुद्ध होता है, डीऑक्सीजिनेटेड होता है, इसलिए इसे ऑक्सीजिनेशन के लिए एफरेंट टिनिडियल वेन उसे जलीय श्वसन के समय गिल में भेजती है। तो गिल को जाने वाली अशुद्ध रक्त को पहुंचाने वाली जो वेन है यह एफरेंट टिनिडियल वेन कहलाती है। तीसरी वेन इफरेंट टिनिडियल वेन, एफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा जो अशुद्ध रक्त गिल को जलीय श्वसन के समय शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है, गिल में ब्लड के शुद्धिकरण के उपरांत वह शुद्ध रक्त इफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इफरेंट टिनिडियल वेन उस शुद्ध रक्त को हार्ट के ऑरिकल में पहुंचा देती है। चौथी वेन एफरेंट रीनल वेन, एफरेंट रीनल वेन पेरी इंटेस्टिनल साइनस में जो अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है उसे पोस्टीरियर रीनल चेंबर में भेजने का काम एफरेंट रीनल वेन करती है। और पांचवी है इफरेंट रीनल वेन, पोस्टीरियर रीनल चेंबर में आया हुआ रक्त उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करने के बाद, पृथक करने के बाद इफरेंट रीनल वेन के माध्यम से वह रक्त हार्ट के ऑरिकल में पहुंचता है। वेन्स एंड देयर रूट, वेन्स और उनका मार्ग क्या है, इसको हमने सुगमता से समझने के लिए इस टेबल के रूप में प्रदर्शित किया है। इस टेबल में यह दर्शाया गया है कि वेनस ब्लड को कहां से कलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उस रक्त को कहां भेजा जाता है, अंतिम रूप से उस रक्त को कौन सी वेन कलेक्ट करती है तथा अंत में हार्ट में किस वेन के द्वारा उस ब्लड को पहुंचाया जाता है, इसका विस्तृत विवरण हमने इस टेबुलर फॉर्म पे यहां पर दिया हुआ है। आइए देखें हम ब्लड के बारे में। हर जंतु की तरह पाइला का ब्लड भी प्लाज्मा और कॉर्पसल से बना हुआ होता है। ये दोनों इसके प्रमुख घटक होते हैं। प्लाज्मा ब्लड का तरल या लिक्विड पार्ट होता है और कॉर्पसल्स इसके सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। और पाइला के प्लाज्मा में जो कॉर्पसल्स पाए जाते हैं वो कलरलेस होते हैं और वो अमीबॉइड नेचर के होते हैं, उन्हें अमीबॉइड सेल कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हम करें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन को बाइंड करने वाले मेटेलिक ग्रुप होते हैं। यही रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें बाइंड करने का काम करते हैं। पाइला के ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कॉपर बेस्ड होता है
इसे हीमोसाइनिन कहा जाता है, और यह हीमोसाइनिन किसी ब्लड सेल के अंदर नहीं होता, बल्कि यह ब्लड के प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था पर होता है। यदि हम हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तुलना करें तो हीमोसाइनिन की जो रेस्पिरेटरी गैस कैरिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन की तुलना में कम होती है। इस हीमोसाइनिन के कारण से ब्लड जब शुद्ध होता है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म पे होता है, तो उसका रंग ब्राइट ब्लू दिखाई देता है, जबकि यही ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध होता है तो वो कलरलेस दिखाई देता है। ब्लड के बारे में, इसके कार्य के बारे में यदि हम संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि ब्लड एक सर्कुलेटिंग ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस को और उत्सर्जी पदार्थों को उनके निर्धारित अंगों तक परिवहन करने का कार्य करता है। आइए अब हम देखें कि पूरे शरीर में रक्त का जो प्रवाह है वो कैसे पूर्ण होता है, उसका चक्र कैसे होता है। ये एक डायग्राम के माध्यम से उस पूरी प्रक्रिया को, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन को हमने यहां पर दर्शाया हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन ड्यूरिंग गिल रेस्पिरेशन, चूंकि पाइला एक एम्फीबियस मोलस्क है जो जल और जमीन पर समान रूप से रह सकता है, और इसलिए इनमें जली श्वसन के लिए गिल्स का और स्थली श्वसन के लिए पल्मरी सैक का विकास होता है। ये दोनों श्वसन अंग विकसित होते हैं। तो हम पहले यह देखें कि पाइला जब पानी के अंदर रहता है तब वह गिल के द्वारा श्वसन करता है। ऐसी दशा में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? एओर्टिक ट्रंक, यह वेंट्रिकल से निकलती है, निकलने के बाद इनकी दो शाखाएं क्रमशः सिफेलिक एओर्टा और विसल एओर्टा शरीर के अगले और पिछले भाग में निहित अंगों को अपनी विशिष्ट शाखाओं के माध्यम से ब्लड सप्लाई करती है। शरीर के इन भागों को ब्लड सप्लाई करने के उपरांत इस ब्लड को एकत्रित किया जाता है। तो इंटीरियर बॉडी पार्ट से जो अशुद्ध रक्त होता है वह पेरिविसरल साइनस में एकत्रित होता है, जबकि शरीर के पिछले भाग से अशुद्ध रक्त पेरी इंटेस्टिनल साइनस में एकत्रित होता है। तत्पश्चात पेरी इंटेस्टिनल साइनस में जो आया हुआ रक्त है वो एफरेंट रीनल साइनस के द्वारा एंटीरियर रीनल चेंबर में प्रवेश करता है और एफरेंट रीनल वेन के द्वारा पेरिविसरल साइनस का ब्लड पोस्टीरियर रीनल चेंबर में प्रवेश करता है। क्योंकि दोनों रीनल चेंबर एंटीरियर और पोस्टीरियर परस्पर जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए एंटीरियर रीनल चेंबर का रक्त पोस्टीरियर रीनल चेंबर में भी प्रवेश करता है। पेरिविसरल साइनस में एकत्रित हुआ अशुद्ध रक्त ब्रेंकियो रीनल साइनस में प्रवेश करता है तथा
यहां का ब्लड एंटीरियर रीनल चेंबर में भी प्रवेश करता है। कहने का आशय यह है कि पेरिविसरल साइनस का रक्त ये दो अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं, पहला ब्रेंकियोरिनल साइनस में और दूसरा एंटीरियर रीनल चेंबर में। और यहां पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि एंटीरियर रीनल चेंबर का रक्त ब्रेंकियोरिनल साइनस में भी प्रवेश करता है। ब्रेंकियोरिनल साइनस में आया हुआ यह अशुद्ध रक्त एफरेंट टिनिडियल वेन के माध्यम से टिनिडियम या गिल को भेजा जाता है और टिनिडियम में शुद्ध होने के बाद वह शुद्ध रक्त या हम कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एकत्रित किया जाता है इफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा। याद रखेंगे शुद्धिकरण के लिए गिल में एफरेंट टिनिडियल वेन रक्त को पहुंचाती है और शुद्धिकरण के बाद टिनिडियम से इफरेंट टिनिडियल वेन उस रक्त को इकट्ठा करती है। और इफरेंट टिनिडियल वेन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हार्ट के ऑरिकल में खुलती है जहां शुद्ध रक्त को ऑरिकल में भेज दिया जाता है। दूसरी ओर जो पोस्टीरियर रीनल चेंबर है इसमें आया हुआ रक्त नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने के बाद सीधे सीधे ऑरिकल में छोड़ दिया जाता है। इस तरह जलीय श्वसन के समय ऑरिकल में दो वेन्स के द्वारा ब्लड आता है, पहला इफरेंट टिनिडियल वेन के माध्यम से शुद्ध रक्त और दूसरा इफरेंट रीनल वेन के माध्यम से अशुद्ध रक्त। और ऑरिकल में जो रक्त आ रहा है वह मिश्रित प्रकार का होता है और ऑरिकल से यह ब्लड वेंट्रिकल में भेजा जाता है और वेंट्रिकल से पंप करते हुए उसे वितरण के लिए एओर्टिक ट्रंक में भेज दिया जाता है, जहां से पुनः वह विसरल और सिफिलिक एओर्टा के माध्यम से शरीर के अगले और पिछले भाग को वितरित कर दिया जाता है। यहां ध्यान देना जरूरी यह है कि चूंकि पाइला जलीय श्वसन कर रहा है इसलिए उसका गिल सक्रिय होता है और ऐसी दशा में पल्मोनरी सैक या उसका लंग निष्क्रिय हो जाता है और इसलिए रक्त को पल्मोनरी सैक में नहीं भेजा जाता है। और यही वजह है कि जलीय श्वसन के समय ऑरिकल में रक्त दो चैनल से आता है, इफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा और इफरेंट रीनल वेन के द्वारा। आइए अब हम देखें यदि पाइला में पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। तो पूर्व में जो जलीय श्वसन के लिए हमने जो रक्त के प्रवाह का मार्ग देखा था वो सारे मार्ग लगभग समान होते हैं। फर्क ये होता है कि एंटीरियर बॉडी पार्ट का जो अशुद्ध रक्त है वो पेरिविसरल साइनस में जाने के बाद वह शुद्धिकरण के लिए पल्मोनरी सैक में भेजा जाता है। पल्मोनरी सैक से ऑक्सीजनेशन के बाद शुद्धिकरण के बाद यह रक्त पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के ऑरिकल में छोड़ दिया जाता है। और दूसरी ओर जो शरीर के पिछले भाग से रक्त का प्रवाह है वह पूर्व में दर्शाए गए मार्ग से के अनुरूप होता है और इस तरीके से
जो गिल है, पल्मरी रेस्पिरेशन के समय निष्क्रिय होने के कारण से ब्लड गिल में नहीं भेजा जाता और शरीर के पिछले भाग का सारा जो रक्त है वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से होते हुए इफरेंट रीनल वेन के माध्यम से ऑरिकल में पहुंचा दिया जाता है और ऑरिकल में आया हुआ रक्त वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से पुनः वितरण के लिए वो एओर्टिक ट्रंक में पंप कर दिया जाता है। यहां पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि पाइलम में जो श्वसन है वो पल्मरी रेस्पिरेशन है और इसलिए गिल को शुद्धिकरण के लिए रक्त का जो प्रवाह है वो प्रतिबंधित होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पल्मरी रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑरिकल में ब्लड दो ही वेन के द्वारा पहुंचाई जाएंगी, पल्मरी वेन के माध्यम से पल्मरी सैक से शुद्ध रक्त और पोस्टीरियर रीनल चेंबर से इफरेंट रीनल वेन के द्वारा नाइट्रोजिनस वेस्ट को छानने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर भी जो ब्लड ऑरिकल में पल्मोनरी रेस्पिरेशन के दरमियान पहुंच रहा है वह भी मिश्रित प्रकार का या मिक्स्ड ब्लड होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखें। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के समय जो ऑरिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मरी सैक से या लंग से पल्मरी वेन के द्वारा प्राप्त करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक्वेटिक रेस्पिरेशन या जलीय श्वसन के समय यही ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल से इफरेंट रेडियल वेन के माध्यम से प्राप्त करता है। ऑरिकल में आने वाला ब्लड जो इफरेंट रीनल वेन के माध्यम से आता है वह डीऑक्सीजनेटेड होता है, अशुद्ध होता है, वह नाइट्रोजिनस वेस्ट से मुक्त होता है। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि पाइला के हार्ट में जो ब्लड ऑरिकल में रिसीव किया जाता है वह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का होता है, अर्थात यह मिक्स्ड ब्लड होता है। एओर्टिक एम्पुला इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में सिफिलिक एओर्टा में संलग्न एक महत्वपूर्ण रचना है जो स्पंदनशील होने के कारण से शरीर के अगले हिस्सों को बेहतर रक्त दाब के साथ में रक्त को प्रवाहित करने में सहायक होता है। और यह भी जानना जरूरी है कि पाइला में एक समय में केवल एक ही प्रकार का श्वसन होता है, या तो जलीय श्वसन होगा या फिर स्थलीय श्वसन होगा। पाइला के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से जो जानकारी हमने प्राप्त की है उस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अतः आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इन प्रश्नों के उत्तरों को सटीक ढंग से लिखने का अभ्यास करें।